नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सोचा तो यही था कि लंबे समय से चली आ रही खींचतान राजनीतिक नियुक्तियों के बाद थोड़ी कम हो जाएगी, परंतु क्या ऐसा होने वाला है? गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन जिस तरह से हुआ ये मायने रखता है। आपको नहीं लगता कि यहां भी जादूगर का जादू चल ही गया? फेरबदल में गहलोत पायलट खेमों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भले ही की गई हो, लेकिन अब भी मलाईदार विभाग गहलोत समर्थक मंत्रियों के पास ही है। पायलट कैंप को ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परिवहन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को छोड़ जनता से जुड़ा कोई और बड़े बजट वाला विभाग नहीं मिला है। सचिन पायलट कैंप के पास बगावत से पहले मंत्रिमंडल में जो विभाग थे उनमें पीडब्ल्यूडी को छोड़कर गिनती के हिसाब से तो सभी वापस उनके समर्थक मंत्रियों को दे दिए गए हैं, पर गहलोत कैंप की तुलना में ये बहुत कम है। पायलट कैंप को पहले खोए हुए विभाग वापस देकर साधने की कोशिश हुई है। पायलट खेमे के मंत्रियों को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, वन और पर्यावरण, परिवहन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, संपदा विभाग दिए गए हैं। बगावत के बाद सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद से और रमेश मीणा विश्वेंद्र सिंह मंत्री पद से बर्खास्त हुए थे। पायलट के पास तब पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग थे, रमेश मीणा के पास खाद्य विभाग और विश्वेंद्र सिंह के पास पर्यटन विभाग था। प्रताप सिंह खाचरेवास भी पहले पायलट कोटे से मंत्री बने थे, लेकिन बाद में गहलोत कैंप में चले गए। अब फेरबदल में परिवहन विभाग पायलट समर्थक ब्रजेंद्र सिंह ओला को दिया है। पायलट के पास रहा पंचायती राज विभाग, उनके समर्थक रमेश मीणा को दिया। हेमाराम चौधरी को वन पर्यावरण और मुरारी मीणा को एग्रीकल्चर मार्केटिंग विभाग मिला है। दलित और एसटी समुदाय के मंत्रियों को इस बार बड़े बजट वाले और महत्व वाले विभाग दिए गए हैं। एसटी वर्ग के मंत्रियों को स्वास्थ्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, दलित मंत्रियों को पीडब्ल्यूडी, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिला बाल विकास विभाग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसे बड़े विभाग दिए गए हैं। प्रसादी लाल मीणा को स्वास्थ्य मंत्री, महेंद्र जीत मालवीय को जल संसाधन, आईजीएनपी रमेश मीणा को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भजन लाल जाटव को पीडब्ल्यूडी, गोविंद मेघवाल को डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग दिया गया है। मंत्रिमंडल के फेरबदल में शेयरिंग फॉर्मूले के हिसाब से गहलोत और पायलट कैंप के मंत्री बनाए गए हैं। यही फॉर्मूला आगे की नियुक्तियों में लागू होने के आसार हैं। इसे कुछ समय की शांति माना जा रहा है। असली मुद्दा विभागों को बजट देने और लंबित चल रहे प्रोजेक्ट्स पर काम कितनी तेजी से और कितने कोऑर्डिनेशन से हो पाता है, इस पर निर्भर करेगा। सीएम के पास ये 10 विभाग है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पुलिस, फाइनेंस, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिसिटी, आईटी पर सीएम का पूरा कंट्रोल है। गृह, वित्त, कार्मिक विभाग तीनों ही पावरफुल और सब पर डोमिनेट करने वाले विभाग हैं। गहलोत के अपने पास इतने हैवीवेट विभाग रखने पर सियासी हलकों में चर्चाएं गर्म हैं। आगे इस पर विरोधी सवाल भी उठा सकते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों के मुताबिक गहलोत इतने विभाग अपने पास रखकर सत्ता का पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। इसे अपनी टीम पर अविश्वास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत गुट के मंत्री और उनके विभाग पर भी एक नजर डाल देते हैं। बीडी कल्ला, शिक्षा कला, संस्कृति, संस्कृत शिक्षा, शांति धारीवाल, यूडीएच, संसदीय कार्य, स्वायत्त शासन, कानून, इलेक्शन, प्रसादी लाल मीणा, मेडिकल एंड हेल्थ, एक्साइज, लालचंद कटारिया, कृषि, पशुपालन और मत्स्य, प्रमोद जैन भाया, खान, पेट्रोलियम, गौपालन विभाग, उदयलाल आंजना, सहकारिता विभाग, प्रताप सिंह खाचरियावास, खाद्य विभाग, शाले मोहम्मद, अल्पसंख्यक कल्याण, महेंद्रजीत सिंह मालविया, जल संसाधन विभाग, महेश जोशी पीएचडी, रामलाल जाट राजस्व विभाग, ममता भूपेश महिला बाल विकास विभाग, भजन लाल जाटव सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, गोविंद राम मेघवाल आपदा प्रबंधन विभाग, शकुंतला रावत उद्योग मंत्री, गहलोत गुट के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्जुन सिंह बामनिया ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट, अशोक चांदना खेल, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, भंवर सिंह भाटी ऊर्जा, राजेंद्र सिंह यादव को हायर एजुकेशन और योजना, सुभाष गर्ग को तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद, सुखराम विश्नोई को श्रम विभाग, राजेंद्र सिंह घूडा को सैनिक कल्याण, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग, जाहिदा खान को विज्ञान और टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग व स्टेशनरी, पायलट गुट के मंत्री और उनके विभाग पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रमेश मीणा पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, हेमाराम चौधरी वन पर्यावरण विभाग, ब्रजेंद्र ओला परिवहन और सड़क सुरक्षा, मुरारी लाल मीणा कृषि मार्केटिंग, एस्टेट और पर्यटन, नागरिक उड्डयन, विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन विभाग मिला है।
दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।